एक समय की बात है, सोहनलाल और मोहनलाल व्यापार करके शहर से अपने गांव की तरफ लौट रहे थे। मैं ना एक दिन इतना बड़ा आदमी बनूंगा, पूरा गांव देखते रह जाएगा। हाँ भाई सोहन, क्यों नहीं, साथ ही साथ गांव को भी अमीर कर देना। भाई मैं अमीर बनूंगा तो साथ में मेरा गांव भी अमीर होगा। तभी उन्हें मंदिर के बाहर एक जोड़ी छेद वाले जूते दिखते हैं। अरे देख मोहन, तू गांव को अमीर करने की बात कर रहा है और यहाँ पर अभी तक छेद वाले जूते ही चल रहे हैं। न जाने कौन कंजूस से जूते छोड़ ही नहीं रहा है। अरे कोई गरीब होगा भाई, ऐसे किसी की गरीबी पे हंसना नहीं चाहिए। अरे गरीब नहीं, मुझे तो कोई कंजूस लगता है। अब तू देख, मैं इस लीचड़ के ना जूते छुपा देता हूँ, देखना अपने जूते ढूंढते फिरेगा, तब बड़ा मजा आएगा, तब तो इसे अपने नए जूते लेना ही पड़ेगा। नहीं सोहन, ऐसा मत करो, तुम्हें क्या पता वो कंजूस है या गरीब, ना मुझे पता है। अरे तो क्या आवाज लगाकर बाहर बुलाऊं फिर जूते छुपाऊं? नहीं, अगर तुम्हें देखना ही है कि यह कंजूस है और मेरी नजर में अगर यह गरीब निकला तो एक काम करते हैं, हम दोनों इसके जूते में कुछ रुपए छुपा देते हैं और झाड़ियों में छिप जाते हैं। तो इससे क्या होगा? अरे जब ये जूते वाला बाहर आकर अपने जूते पहनेगा तो रुपए देखकर उसके हाव भाव से पता चल जाएगा कि ये कंजूस है या गरीब। फिर मैं इस कंजूस को बताऊंगा, इतनी कंजूसी करके क्या ऊपर लेके जाएगा सब। दोनों जूतों में कुछ रुपए रख देते हैं और झाड़ियों में जाकर छिप जाते हैं। कुछ देर बाद एक किसान उस मंदिर से बाहर निकलता है और अपने जूतों में पैर डालता है। जूतों में पैर डालते ही उसे कुछ महसूस होता है। वह अपना जूता उठाकर देखता है, उसमें कुछ रुपए निकलते हैं। किसान यहाँ वहाँ देखता है, उसे कोई नहीं दिखाई देता है। किसान आसमान की तरफ देखता है। भगवान, तूने मेरी लाज रख ली, आज मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। मैं तो तेरे पास बारिश की प्रार्थना लेकर आया था, तूने तो बिना बोले ही मेरी मजबूरी समझ ली। जिसने भी इस जूतों में रुपए रखे होंगे वो देवता के समान होगा या तेरा ही रूप होगा। भगवान भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भगवान का शुक्रिया अदा कर कर वहाँ से चला जाता है। फिर मोहन और सोहन बाहर निकलते हैं। देखा सोहन, हम कितना बड़ा पाप करने से बच गए। तूने जिसे कंजूस समझा था वह तो किसान निकला, किसान जो अन्न पैदा करता है, जो हमें अन्न देता है, और आज उसी किसान ने तुझे और मुझे भगवान का दर्जा दे दिया। हाँ मोहन, मुझे अंदर से खुशी तो हो रही है कि हमने उसके जूतों में पैसे रख दिए, पर इस बात का दुख भी है कि मैंने बिना सोचे समझे उसे कंजूस और लीचड़ भी कह दिया। हाँ सोहन, अगर तुम्हें सचमुच अपने आप को अमीर बनाना है तो पहले यह देखना होगा कि अपने आसपास कोई गरीब भूखा प्यासा तो नहीं है, यही असली अमीरी है।